Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweetie Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस में नया पाठ पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस की किताब निकालेंगे, पेज 52 पर आएंगे और पेज 52 पर पाठ 16 रंगा सियार। बच्चों इस पाठ में हम एक सियार कुत्ते और जंगली जानवर से मिलेंगे। बच्चों इस पाठ में क्या है, एक सियार है जो क्या करता है, जंगली जानवरों से झूठ बोलता है। तो बच्चों झूठ बोलना गलत बात होती है ना, हम ये देखेंगे इस पाठ में कि एक सियार ने सियार को झूठ बोलने का क्या परिणाम मिलता है। देखिए बच्चों, जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन वह बहुत भूखा था। अंडरलाइन दिस वर्ड सियार। खाना ढूंढते ढूंढते वह शहर में जा पहुंचा। बच्चों एक जंगल में कौन रहता था, एक सियार रहता था। एक दिन उसको बहुत भूख लगती है और वो क्या करता है, खाना ढूंढते ढूंढते कहाँ जा पहुंचता है, शहर में जा पहुंचता है। वहाँ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। कुत्तों से बचकर वह एक घर में खिड़की के रास्ते कूद गया। बच्चों उसके पीछे कौन पड़ जाता है, कुत्ते पड़ जाते हैं। तो वो कुत्तों से बचने के लिए क्या है, एक रास्ते से एक घर में कूद जाता है। घर रंगरेज का था और खिड़की के पास रंग का एक पीपा रखा था। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड रंगरेज। रंगरेज का अर्थ होता है रंगने वाला। अंडरलाइन दिस वर्ड पीपा। पीपा का अर्थ होता है ड्रम। अब बच्चों क्या होता है, वह खिड़की के रास्ते कूद जाता है और वो घर किसका होता है, रंगरेज का। वहीं एक पीपा रखा होता है जिसमें वह कूद जाता है। सियार उसी रंग के पीपे में गिर पड़ा और नीले रंग में रंग गया। अब बच्चों सियार को तो नहीं पता होता है कि वहाँ पीपा रखा हुआ है, वो जैसे ही कूदता है वो किस में सीधे गिरता है, पीपे में जा गिरता है। वह घबराकर जल्दी से पीपे से बाहर आया। बच्चों जब हम गिर जाते हैं तो हम एकदम घबरा जाते हैं ना, तो वो भी घबरा जाता है क्योंकि वो पीपे में गिर चुका होता है, तो वो पीपे से बाहर आता है। नीले रंग के जानवर को देखकर कुत्ते डरकर भाग गए। अब बच्चों उसके पीछे कुत्ते पड़ गए थे और वो क्या हो गया था, वो नीले रंग का हो गया था, तो कुत्ते उसे देखकर डरकर भाग जाते हैं। वह नदी पर पानी पीने गया और पानी में स्वयं की परछाई को देखकर चौंक गया। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड परछाई। परछाई का अर्थ होता है साया। अंडरलाइन दिस वर्ड चौंक। वह समझ गया कि कुत्ते उसे देखकर क्यों डर गए थे। अब बच्चों उसे पहले तो नहीं पता लगता है कि कुत्ते मुझे देखकर क्यों डर गए, लेकिन जैसे ही वो अपनी परछाई को देखता है वह समझ जाता है कि कुत्ते मुझे देखकर क्यों डर गए थे। उसके दिमाग में एक योजना आई और उसने स्वयं को जंगल का राजा घोषित कर दिया। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड दिमाग। उसने कहा मेरी आज्ञा सबको माननी होगी और मेरे भोजन की व्यवस्था करनी होगी। अंडरलाइन दिस वर्ड व्यवस्था। व्यवस्था का अर्थ होता है इंतज़ाम। और बच्चों क्या होता है, उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो क्या करता है, खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है। सभी जानवर सियार की आज्ञा मानकर उसकी सेवा करने लगे। कुछ समय तक वह जंगल पर राज करता रहा। अब बच्चों सभी जानवर क्या है, उससे डरने लगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। एक दिन सियारों का एक झुंड ऊंचे स्वर में हुआ हुआ करने लगा। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड झुंड। झुंड का अर्थ क्या होता है, समूह। अब बच्चों एक दिन क्या होता है, जो दूसरे सियार थे, सियार कैसी आवाज़ निकालते हैं बच्चों, हुआ हुआ, तो ना दूसरे सियार जो थे ना वो हुआ हुआ की आवाज़ निकालने लगे। अब रंगा सियार भी सब कुछ भूलकर हुआ हुआ की आवाज़ निकालने लगा। बच्चों अब रंगा सियार क्या सुनता है, दूसरे सियार जो थे ना वो हुआ हुआ की आवाज़ निकाल रहे थे, रंगा सियार भी उनकी नकल करके हुआ हुआ की आवाज़ निकालने लगा। ऐसी आवाज़ सुनकर सभी जानवर एक साथ बोले,
यह कोई राजा नहीं है, यह तो सियार है। अंडरलाइन दिस वर्ड आवाज। बच्चों अब क्या होता है, जैसे ही सियार हुआ हुआ की आवाज़ निकालने लगता है, वैसे ही जंगली जानवर समझ जाते हैं कि यह कोई राजा नहीं है, यह कौन है, यह तो एक सियार है। इतना कहते ही सभी जानवर सियार के पीछे भागे। रंगे सियार ने सबको धोखा दिया था, इसलिए सबने मिलकर उसे मार डाला। बच्चों रंगा सियार ने क्या किया था, सबसे झूठ बोला था ना, तो सारे जानवरों ने क्या किया, उसे मिलकर मार डाला। तो बच्चों आपने यहाँ पे क्या देखा, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। मम्मी से, पापा से, टीचर से हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए, अपने से बड़ों से हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। बच्चों अभी आपने यहाँ पे जो कठिन शब्द देखे थे ना, अब हम उन्हें लिखकर समझेंगे। बच्चों देखिए, स, स पे छोटी ई की मात्रा, य, य पे आ की मात्रा, र, तो यह शब्द बना सियार। र, र पे बिंदु, ग, यह शब्द क्या बना रंग। र, र पे ए की मात्रा और ज, यह शब्द बना रंगरेज। प, प पे बड़ी ई की मात्रा, प पे आ की मात्रा, यह शब्द क्या बना, यह शब्द बना पीपा। द, द पे छोटी ई की मात्रा, म, म पे आ की, म, आ की मात्रा, ग, ग पे बिंदु। बच्चों यह शब्द क्या बना दिमाग। आधा व, य, व, आधा स, थ पे आ की मात्रा, तो यह शब्द बना व्यवस्था। अ, अ पे आ की मात्रा, व, व पे आ की मात्रा, ज, ज पे बिंदु, तो बच्चों यह शब्द बना आवाज। ज में छोटे उ की मात्रा, आधा ड और द, तो यह शब्द बना झुंड। तो बच्चों आपने देखा हम इन शब्दों को किस तरीके से लिखते हैं और बोलते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये सारे शब्द समझ में आ गए होंगे। अब हम बुकवर्क देखते हैं। मौखिक प्रश्न। प्रश्न एक, सियार खाने की खोज में कहाँ जा पहुँचा। बच्चों सियार को क्या लग रही थी, सियार को बहुत भूख लग रही थी, तो वो खाने की खोज में कहाँ जा पहुँचा था, शहर, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, शहर। प्रश्न दो, कुत्तों से बचने के लिए सियार ने क्या किया। बच्चों क्या किया था सियार ने कुत्तों से बचने के लिए, वह एक घर में, एक घर की खिड़की में कूद गया था, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, खिड़की से कूद गया। प्रश्न तीन, कुत्ते सियार को देखकर डर क्यों गए। बच्चों क्यों डर गए थे, क्योंकि उसने वो नीले रंग का हो चुका था ना, वो एक पीपे में गिर गया था और वहाँ से वो क्या हो गया था, नीले रंग का हो गया था, तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, नीले रंग के सियार को देखकर। प्रश्न चार, जानवरों ने सियार को कैसे पहचान लिया, कैसे पहचान लिया था, उसकी आवाज़ से, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवाज़ से। बच्चों देखिए लिखित प्रश्न में, प्रश्न एक, जंगल में कौन रहता था, सियार, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, सियार। ये दोनों प्रश्न कहाँ हैं, ये दोनों प्रश्न आपको नोटबुक में कराए गए हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, सियार रिक्त स्थान के घर में घुस गया। बच्चों सिपाही, रंगरेज या राजा,
वो किसके घर में घुस गया था? रंगरेज के घर में। तो जहाँ पे रंगरेज लिखा हुआ है वहाँ पे सही का चिन्ह लगा देंगे। ख देखिए, सियार ने अपने आप को रिक्त स्थान घोषित कर दिया। राजा, नौकर, भिखारी, बच्चों अपने आप को क्या घोषित कर दिया था सियार ने? राजा। राजा, तो जहाँ राजा लिखा हुआ है वहाँ पे क्या करेंगे हम? सही का चिन्ह लगा देंगे। बच्चों आपको अपनी कॉपी में न्यू पेज निकालना है, उसमें सबसे पहले क्या लिखना है? पार्ट 16। दूसरी लाइन पे आप लिखोगे रंगा सियार। बच्चों देखिए, जहाँ इस यहाँ पे बहुत सुंदर लेख में कार्य हो रहा है ना, आपको भी बहुत सुंदर लेख में ये कार्य करना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? नवीन शब्द। एक नंबर पे देखिए धोखा, नंबर दो खिड़की, नंबर तीन योजना, नंबर चार परछाई, नंबर पाँच रंगरेज, नंबर छः दिमाग, नंबर सात झुंड। शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और क्या लिखना है दूसरी लाइन पे? शब्दार्थ। एक नंबर पे देखिए पीपा, पीपा का क्या अर्थ होता है? ड्रम। नंबर दो व्यवस्था, व्यवस्था का अर्थ होता है इंतजाम। वाक्य बनाइए। बच्चों देखिए पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है जंगल। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है। दूसरा शब्द क्या है? आज्ञा, हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसके बाद हम लिखित प्रश्न पे आते हैं, उसके लिए भी आप एक लाइन छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे? लिखित प्रश्न। प्रश्न एक, सियार पानी में स्वयं को देखकर क्यों चौंक गया? उत्तर, सियार पानी में स्वयं की परछाई को देखकर चौंक गया। बच्चों वो क्यों चौंक गया था? क्योंकि उसने क्या किया था? उसने खुद की परछाई देखी थी। वो कैसे रंग का हो गया था? नीले रंग का हो गया था। तो उसने स्वयं की जब परछाई देखी तो वह चौंक गया। प्रश्न दो देखिए, जानवरों ने सियार को क्यों मार डाला? बच्चों जानवरों ने सियार को क्यों मार डाला? उत्तर, रंगे सियार ने सबको धोखा दिया। रंगे सियार ने सबको धोखा दिया था, इसलिए जानवरों ने उसे मार डाला। बच्चों क्या किया था रंगा सियार ने? सबसे झूठ बोला था ना। जब सबसे झूठ बोला था तो झूठ बोलना गंदी बात है, और उसने क्या किया? रंगा सियार ने सबसे झूठ बोला, सबको धोखा दिया, तो सारे जानवरों ने क्या किया? सारे जानवरों ने उसे मार डाला। देखिए, रंगे सियार ने सबको धोखा दिया था, इसलिए जानवरों ने उसे मार डाला। तो बच्चों हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है। बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको रंगा सियार पाठ से बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब आप घर पे क्या करेंगे? इस पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।